चेली भाई गोर भाई दा जहां बाट लगाया वहां नहीं जानिए भाई हो। हेलो साथियों, बड़े को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार। मेरे YouTube चैनल पर सुपर दो सात ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी आज मैं और मेरी देवरानी जा रहे हैं एक खास जगह, वहीं जाके बताएंगे आप लोगों को। आप बने रहे ब्लॉग के साथ। हमें गाड़ी नहीं मिल रही है जहाँ को हम जा रहे हैं, क्योंकि अभी गाड़ियाँ जो हैं सब मार्केट की तरफ जाती हैं। लगभग लगभग यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर है। देखते हैं गाड़ी मिल गई ठीक है, नहीं तो हमारा पैदल सफ़र होगा वहाँ तक का। अभी झील से होते हुए गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा नज़ारा आपको भी दिखा देते हैं। आप लोगों को रोज मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा हमारा प्यारा सा बैराज झील। खुश होना, थक गई इतनी है। मसूर की खेती देखो, ये है मसूर का प्यारा सा खेत। आजकल हमारे गांव घरों में निकालने लग गए हैं मसूर। रीना की चाची, इतना प्यारा मसूर हुआ है खेतों में। हम मसूर निकालने लग गए हैं। ये फिर इसको ना सुखाते हैं और उसके बाद फिर चूटते हैं, और बहुत प्यारी दाल होती है मसूर की। हमारी पहाड़ों में आजकल खेती बाती का ये काम बहुत जोर शोर पे चल रहा है, मसूर निकालना, सरसों निकालना। और देखो हमारी चाची लोग कितनी मेहनते हैं, घर में खाली बैठे रहना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कदू भाजी आशा गड़ा में अच्छा नाश्ता हो गया। अच्छा चलो बढ़िया भाई, थोड़ी देर हंसी खुशी, थोड़ा बहुत काम ले। तो साथियों मैं आप लोगों को बता रही थी ना, हम कहीं जा रहे हैं, वहां पहुंच के आप लोगों को बताएंगे। तो मैं आई हूँ आज अपनी देवरानी के मायके, और ना हम लोग ले जा रहे हैं आज ये गाय मेरी देवरानी को, उनकी मम्मी दे रही है ये वाली गाय, और इसको लेके जा रहे हैं हम आज। साथी कहाँ मिलता है ना बचपन, फिर मेरी देवरानी का मन जाने को नहीं कर रहा है ससुराल, लेकिन क्या करे मजबूरी हुई ना। मजबूरी का नाम ससुराल। वो कहने लगी मजबूरी का नाम ससुराल। यहाँ इतना सारे हम सारे बच्चे यहाँ पर खेला करते थे पहले बचपन में। सब झूला बनाए रखते थे, झूला खेलते थे, और उधर हमारा नौला है, पानी लेने जाते थे हम सब बच्चे वहाँ के गाँव के। अच्छा। सारे स्कूल से आते बस सीधे वहाँ गए पानी लेने, सुबह थोड़ा महफिल जमी, फिर शाम को। पहले से वो नहीं होता होगा ना, पानी नल नहीं थे उसमें। अच्छा, इसलिए वहाँ बहुत सारा पानी वहाँ भरा रहता है हमेशा पानी वहाँ। अच्छा, देखो हर गांव में ऐसे नौले हुए ना के। अब तो बहुत ही अच्छा बना दिया है, लेकिन हम बच्चों ने बहुत वहाँ मस्ती, शाम के टाइम तो और भी अच्छा, सब बच्चे जमा हो जाते थे, सब गप्पे सप्पे दिन भर के जितने भी होते थे सब गप्पे लगाते थे। बोली मेरी देवरानी का मन ना आज बिल्कुल नहीं कर रहा है ससुराल जाने को। अब लेके जानी है इसने गाय, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है आज गाय आई लेके जाती है, ये तो यहाँ के यादों में रम गई। देखो वहाँ पे मेरा संजू का घर है, आवाज देते थे हम स्कूल जाते समय, संजू चलो स्कूल को आओ। वो जल्दी तैयार वो हो जाने वाले, तो मैं लगाती थी वो, लेकिन वो लगाते थे ऐसे साथ में स्कूल जाते थे हम बहुत ऊपर। अच्छा हाँ, वो हमारे कोट का मंदिर दिखता है सामने। फिर वो बचपन कहाँ आता है ना वापस। हाँ, अब तो पानी ले, हमारे बुआ आवाज लगाते थे कहाँ गए तुम पानी लेने, अभी तक क्यों नहीं आए। अच्छा। बहुत पानी लेने वहाँ, हम देर वहाँ गप्पे सप्पे लगाते ना, इसलिए वहाँ देर हो जाती थी। अच्छा। पानी लेने के लिए बहुत ही ज्यादा ना, पति मन अल्लाह जहाँ का नशा करे है। रीना मैं किसी जाने को मन कर रहा है,
किसका मन करता है अपने मायके से जाने का? अपने बचपन की यादें बहुत सारी, सब याद आने लगती है। ऐसा ही है। हाँ, फिर दोस्त वगैरह सब ससुराल चले जाते हैं ना। ये अखरोट के पेड़ में तो खूब चढ़ी होगी ना तू? बहुत सारे हम झूला खेलते थे बचपन में। हाँ? अच्छा, झूले खेलते थे? बहुत सारे मस्ती हाँ? होती थी वहाँ पर। हमारे दो ओखल थे। हाँ? सब दिन में धूप में हाँ? सब धान कूटने आते थे सब। अच्छा? सारे पड़ोसी लोग। अच्छा, इसके नीचे? इसके नीचे अभी भी है क्या? अभी भी है, तो पता था क्या होती सब। अच्छा? बारी का दो थे, सब लोग बारी बारी करके बहुत मस्ती करते थे बचपन में। यहाँ छत से चारू और का व्यू दिखाते हैं आपको, कितना प्यारा है। हिमालय दिख रहा है थोड़ा सा। मेरी देवरानी का भतीजा और ये है हमारी दिव्या। हाय दी। हो गया नहाना धोना? हाँ। नाश्ता वगैरह हो गया? हाँ। और सब ठीक हो रहा है? हाँ। हर्षु क्या कर रहा है बेबी? चाची ने लगाया यहाँ पे मसूर का ढेर। ये है मसूर। अब इसको फिर सुखाते हैं, फिर चूट के इसके दानों से प्यारा प्यारा निकलता है मसूर। और यहाँ पे है सरसों। ये है, ये सरसों खेतों से निकाल ली है। अब इसको मान के फिर इस सरसों से ना तेल होता है। गांव में ना लोग इतनी ज़्यादा कृषि करते हैं कि जैसे तेल हेल भी ना घर ही से निकल जाता है। हर्षु चलाने लग गया है गाड़ी। हर्षु बड़ा हो गया, क्या बनेगा? उठ गया हर्षु। अब ना गाय के विदाई का समय हो गया है, तो दीदी पिलाने लगी उसको पानी। इसके बाद उसको नहलाते हैं और इसके सिंगों में तेल लगाते हैं, फिर ले जाते हैं गाय को। ये देवरानी ने खिला दिया पीना, इसको कहते हैं पीना। जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आई गाय।
बहुत इधर उधर को भागने लग गई थी, बड़ी मुश्किल से सब लोग मुझे पकड़ पकड़ के गाड़ी में रखी, तो उस समय मैं सूट नहीं कर पाई। तो अभी आ गए हैं हम अब कपकोटी मेरे ससुराल गाय को लेके, उसमें लाए हैं हम गाय को। वहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर था, क्योंकि उतना पैदल नहीं ला सकते थे इसलिए लाए हैं गाड़ी में। अब यहाँ से ले जाएंगे पैदल, वो ऊपर से देख रही है गाय। चेली भाई गोर भाई जहाँ बाट लगाया वहाँ नहीं जानिए भाई। देखो चाची निशा से लग रहा है ज्यादा, क्या निशा लग रहा? हाँ क्यों ना, चेल को देने के लिए निशा के लग रहा हूँ लो, देखू लो वहाँ बेचो से क्या लग रही। हाँ यार धन्यवाद, बहुत है बढ़िया कभी ले आचा यार तुम गोर गए बाट बना चाहते है चाहते। और भैया ना इतने मेहनती है, पहले एक भैंस को लेके गए थे पहुंचा के आए, गाय लेके आ रहे हैं गाय लेके, क्योंकि साथियों आजकल ना क्या कहते गाय भैंसों को ना बहुत लोग बेचते हैं, क्योंकि घास वगैरह का सीजन आ गया। तो भैया मतलब इतने अच्छे से ले जाना, उनको लाना, बीच बीच में देख रहे थे और बिल्कुल इतने अच्छे से लाए, धीरे धीरे बिल्कुल। आप कितने सालों से ला रहे हैं फिर ये इनको? 10 सालों से। अच्छा कैसा लगता है फिर आपको ये काम? गाड़ी चलानी है, कैसा लगेगा? हाँ फिर नहीं, ये भी एक बहुत अच्छा काम हुआ भैया, देखो ना इतनी जिम्मेदारी, क्योंकि पैसेंजरों को ले जाना एक अलग हुआ, गाय भैंसों को ना वो बोल भी नहीं पाने वाले हुए उनको ले जाना। कोई नहीं आया जी, अब खोल के ला रहे गाड़ी से नीचे। आ जा, हाँ तो वो कपकोटी की धार में आ जा, आ जा। हाँ से हमारे बूबू भी आ गए हैं गाय को लेने के लिए। फाइनली मेरी देवरानी की गाय पहुंच गई है हमारी ग्वार, बात दी है दिखाएगा। देखो इतना प्यारा सा है, मैंने कहा ना आज सबसे बोला मैंने, मेरी देवरानी जेठानी आज गाय ला रही है। देखो देवरानी जेठानियों का साथ ना, मेरी जेठानी तुम लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे यार, हम तो कभी कभी के साथ ही हुए हैं। इसे थोड़ा पैदल होता है हमारे वहाँ चलना, अब जा रही हूँ मैं घर को, थोड़ा सा इजा लोगों से मिल के आती हूँ। अभी यहाँ पे सब लोग अब चाय पी रहे हैं, इजा बाबू और चाची और मेरी पौर की चाची। डर तबियत ठीक है? खुटा में पीड़ कैसी हूँ? खुटा पीड़ कम जी है। चलो थोड़ा थोड़ा छत में हिटिया ना, जरा ठीक है जल पे अभी चाची, तुम ठीक ठाक हर जा? क्या रहो काम धंधे? आजकल ना काम कम हुआ तो मेरी बुढ़िया चाची लग रही है बिल्कुल बुढ़िया जैसी। क्या हो गया? दादा नहीं है बाहर से बहुत बढ़िया चाहिए, बाहर ये बाहर से तवाई कम कर रहे हैं। समझड़ियों का मिलाप आपस में, एक समझड़ी वो है वो जाने लग गए हैं अब।
अब थोड़ा बहुत गप्पे सप्पे मारेंगे, उसके बाद थोड़ी देर में फिर जाएंगे। अच्छे लोग जाने लग गए हैं तो टीका लगा के उनकी विदाई कर रहे हैं। बाबू आया का भत्ता है आया पा। हाँ चाची तुम ये गोरु भेट, गोरु भेट हुई हो, गोरु भेट हुई चाची तोड़ रहे गोभी हम लोग। जो तो भर ठाक हो पात हो दवाई हार वाल नहीं भाई नहीं हो गयो रीना लेने की जानू है जा भाई। हाँ ना मैं नहीं ना ही दूर लगी खाल उन्हें बगीचा छुआया खाली सब गरुड़ वालों ने कहा दी। बहुत बहुत बधाई तुम्हें नए गाय की। चलो अच्छे से घर पहुंच गई है। देवरानी नहलाने लग गई है उसको। चाची आशीर्वाद दे रहे हैं गाय को। बाय कोसी, फिर मिलून। हेलो जानू, हेलो जानू पर फिर मिलून। हाँ मेरी देवरानी लोग इतने अच्छे हैं ना, मेरे ससुराल में जाने को मन भी नहीं कर रहा है। अब जाना ही हुआ, क्या करूं। ऊन अब दो चार दिन रून तो देवरानी ला रही है थोड़ा सा सूखी घास चाची लोग के लिए। चार मेरी देवरानी ने पहले पहुंचा दिया चार गट्ठर। बस गाड़ी में घास ले जाएंगे वहां की गाय के लिए। यहाँ पे बहुत सारी घास होती है ना। अरे चरे नहीं तो वाह अच्छी लग रही है यार। कर्मठ है यार मेरी देवरानी। एक मैं जेठानी ना मैं ही हूँ काम चोर बस, और मेरी सारी देवरानियां ना बहुत काम करती हैं। हैप्पी गोरू को ले जाने की। अब सेवा करना खूब। चलो चाची अगली बार तुम बैठो। बाय ना अपने ससुराल के इलाके से जाने लग गई थी। ये है मेरा ससुराल। कच्ची सड़क है यहाँ से। वो तो भैया ला गए यहाँ जरा, बहुत ही हिम्मत वाले थे। ऐसी उबड़ खाबड़ रोड है हमारे यहाँ के। 1 किलोमीटर तक ऐसी कच्ची सड़क है, फिर आती है पक्की सड़क। प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब वो पूरा पत्थर तोड़ेगा तब किनारे होगा, तब हमें आगे निकलने देगा। तो अब यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग को समाप्त। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।